नहीं, मैंने लॉक्स की दुकान नहीं ओपन करी है। मैं बस चेक कर रहा था ये लॉक्स मेरे घर को सिक्योर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड आई नो आप सब भी अपने घर की सिक्योरिटी बहुत अच्छे से करते होंगे बहुत सारे लॉक्स लगाकर। एंड हम सभी जानते हैं हम इतने सारे लॉक्स अपने घर पर क्यों लगाते हैं, ताकि अनफॉर्चुनेटली कोई भी अगर हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करने की कोशिश करे तो वो एक बार में ना कर पाए, उसको बहुत सारे लॉक्स का सामना करना पड़े। इसी तरह इस बड़ी सी इंटरनेट की दुनिया में हम सभी का अपना अपना एक घर है, जिसको हम गूगल अकाउंट, अपना यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट बहुत सारे टाइप से देख सकते हैं। तो हमें इन सब प्रॉपर्टीज़ की सिक्योरिटी को लेकर हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है और उसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे यूज़ करते हैं और ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे सारे अकाउंट गूगल अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ एक ही बेसिस पे सिक्योर हैं, सिर्फ एक पासवर्ड, जो कि हम बहुत इजी सिलेक्ट करते हैं ताकि हम ना भूल जाएं। या तो हम अपना खुद का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने पेट का, अपने हाउस नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, इन सब से ही हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अनसेफ है क्योंकि इन पासवर्ड्स को हैकर ईजिली हैक कर सकते हैं। हमेशा 16 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्रिएट करें, जिसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर्स का यूज़ ज़रूर करें। अगर आपको लगता है आपका पासवर्ड सेफ है तो आप पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर वेबसाइट्स पर जाके चेक कर सकते हैं आपका पासवर्ड कितना ज़्यादा सेफ है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा तो बहुत ज़्यादा वीक पासवर्ड है, लेकिन उसके अंदर अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाता हूँ तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। देन उसके अंदर मैं कोई डिजिट ऐड करता हूँ तो और स्ट्रांग हो जाता है। एंड कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको अपना पासवर्ड बनाते समय चार चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक हो, जिसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट एंड नंबर दोनों हो, एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स आपके कैपिटल में हो, एंड स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो देख सकते हैं आपका पासवर्ड हैकर कितने टाइम में हैक कर सकता है। तो आप देख सकते हैं जो मैं पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ उसको हैकर को हैक करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही पासवर्ड बनाया करिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के बाद भी क्या एक ईमेल एंड पासवर्ड, इससे आप अपने डाटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इसी के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू स्टेप वेरिफिकेशन को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई आइटम है, उसको सिक्योर करने के लिए आप उसको किसी भी लॉकर के अंदर रखते हैं, एंड उसके बाद भी अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने डोर को लॉक करके जाते हैं ताकि उसकी डबल सिक्योरिटी बने रहे। टू फैक्टर वेरिफिकेशन के अंदर आपको अपने पासवर्ड डालने के बाद एक कोड भी एंटर करना पड़ता है, जो कि आपको OTP के फॉर्म में SMS या फिर ईमेल के थ्रू आपको मिलेगा। अगर कोई आपका पासवर्ड जान भी लेता है तो टू स्टेप वेरिफिकेशन की मदद से वो आपका अकाउंट नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसको वो कोड चाहिए होगा जो आपके मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर जाएगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए आपको उस अकाउंट पर जाना है जिसके अंदर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है। उसके अंदर आपको गूगल पेज पर माई अकाउंट वाले पेज पर आ जाना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है आपका यूज़ फ़ोन टू साइन इन। इस मेथड में अगर आपको किसी और डिवाइस में लॉगिन करना है तो आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं एज अ लॉगिन की। आपको बस अगर किसी और डिवाइस में लॉगिन करना हो तो आपके फ़ोन पे पासवर्ड मांगेगा, एंड आप जैसे अपने फ़ोन का पासवर्ड उसमें एंटर करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा उस डिवाइस के अंदर। सेकेंड ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो हमारा मेन मेथड है। इसके अंदर आपको स्टार्ट करने के लिए आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। देन उसके बाद आपको अपना नंबर डालना है जिसके ऊपर आपका OTP आए, और उसके बाद आप अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन के मेथड को आगे प्रोसीड कर पाएँ। यहाँ पे मैं आपको अपना कोड डालना है, बस कोड डालते ही मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। इसके बाद मैं अपना मेथड चूज़ कर सकता हूँ किस मेथड को मैं यूज़ करना चाहूँगा टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आपको चार मेथड दिखाई देंगे। पहला मेथड आपको दिखाई दे रहा होगा बैकअप कोड्स। इसके अंदर आपको पहले ही कोड्स दिए जाते हैं या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं जो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी उसको सेव कर सकते हैं। अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो और आपका फ़ोन में नेटवर्क ना हो, देन इन कोड्स की हेल्प से आप अपने डिवाइस के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है गूगल प्रॉम्प्ट। इसके अंदर आप अपने फ़ोन को फिर से यूज़ कर सकते हैं एज अ लॉगिन पासवर्ड। आपको वहाँ पे एक 2 डिजिट का कोड दिया जाएगा जिसको आपको मैच करना होगा जो आपके फ़ोन पे शो कर रहा होगा। देन अगर वो दोनों सेम होंगे तभी आपका डिवाइस में लॉगिन हो पाएगा। हमारा अगला मेथड है सिक्योरिटी की। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर मेथड है अगर आपको अपना अकाउंट सिक्योर करना है, लेकिन थोड़ा ये डिफिकल्ट भी है क्योंकि आपको एक फिजिकल की चाहिए होगी हमेशा अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। इसके अंदर आप अपना कोई भी पेन ड्राइव या फिर ऐसे मार्केट में सिक्योरिटी की अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी की। इसके अंदर होगा ये आपके डिवाइस में आपका अकाउंट तब तक लॉगिन नहीं होगा जब तक आप ये सिक्योरिटी की अपने डिवाइस के अंदर नहीं लगाते। हमारा लास्ट मेथड जो ईजी है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड सेफ भी है, ऑथेंटिकेटर ऐप। इसके अंदर अगर आपको कोई ऑथेंटिकेटर ऐप ऐड करना है तो आप सेट अप ऑथेंटिकेटर पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे एक बारकोड दिया जाएगा जिसको आप अपने फ़ोन में अपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से स्कैन करके इसके अंदर अपना सेटअप कर सकते हैं। उस
उसके बाद आपको कुछ ऐसा कोड दिया जाएगा जो हर 30 सेकंड में चेंज होता रहेगा। अगर जब भी आपको किसी और डिवाइस में लॉगिन करना होगा तो आपको ये कोड की बहुत ज़्यादा नीड होगी, इसके बिना आप अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। जैसे ही आपको आपका कोड मिलेगा आप उसको एंटर करेंगे, 30 सेकंड्स बाद वो कोड अपने आप ही चेंज हो जाएगा और ये हर 30 सेकंड में चेंज होता रहेगा। अब कोई भी इस अकाउंट को इजीली हैक नहीं कर सकता, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है अगर कोई इसको हैक करने की ट्राई भी करेगा। एंड आज के मॉडर्न टाइम में आप सारे ऐप्स के अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को देख सकते हैं, तो जो जो ऐप आप यूज़ करते हैं उन ऐप्स के अंदर अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। चाहे वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो, जीमेल अकाउंट हो या आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट हो, आपको उन सबको सिक्योर करना है। यहाँ पे आप इंस्टा में भी टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन देख सकते हैं, फेसबुक के अंदर भी आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। इसमें भी सेम आप गूगल अकाउंट की तरह वेरियस मेथड को चूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में आपको सेम टाइप से टू स्टेप वेरिफिकेशन मिलेगा, उसके अंदर आपको एक की जनरेट करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। आप जब भी इनको किसी और डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे ओटीपी के बाद आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने पहले जनरेट किया था, देन उसी के बाद आपका अकाउंट ओपन होगा उस डिवाइस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड क्या क्या वेरियस टाइप्स हो सकते हैं जिससे आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी अपने डाटा को सिक्योर कर सकें। एंड प्लीज़ ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।